माय सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे नई माँ को डिलीवरी के बाद अपनी देखभाल में किन किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए, उसे अपनी देखभाल में किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए ताकि उन्हें किसी तरह का इन्फेक्शन का सामना ना करना पड़े और इसके साथ ही वो बच्चे की देखभाल भी आराम से कर सके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात आती है हाइजीन मेंटेन करने की, और उसमें सबसे पहले बात यही याद आता है कि क्या स्नान करना चाहिए। तो नॉर्मल डिलीवरी में तो बिल्कुल स्नान करना ही चाहिए। जैसे ही आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आएँ, गुनगुने पानी से बाथ ज़रूर लें। और रही बात सीजेरियन डिलीवरी की, तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें कि मैं कैसे कब स्नान कर सकती हूँ, और वो सारा टाको की कंडीशन पे ही डिपेंड करेगा। और गर्मी है, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप उस एरिया को अच्छे से पॉलीथीन से कवर करके एक दिन छोड़ के एक दिन भी स्नान कर सकते हैं, अदरवाइज आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। अगली बात आती है स्ट्रेच मार्क्स की। प्रेगनेंसी से अपनी बॉडी को मॉइस्चर करना शुरू कर दें तो आपको स्ट्रेच मार्क्स की ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, लेकिन डिलीवरी के बाद भी आप अपनी बॉडी को रेगुलर मॉइस्चर जरूर करें। आप चाहे स्नान करें या ना करें, लेकिन अपनी बॉडी को रेगुलर मॉइस्चर जरूर करें। वैसे स्ट्रेच मार्क्स को कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप आई बटन पर क्लिक करके सारी डिटेल ले सकते हैं। अगली बात, टमी बहुत ढीला ढाला हो गया है, काफ़ी लटक गया है, तो इसके लिए आपको ये टमी आपका लूज ना रहे, स्किन लटकी हुई ना रहे, तो इसके लिए आपको अपने टमी पे रेगुलर कपड़ा बांधना है। अगर आप कपड़ा नहीं बांधना चाहे तो जो टमी का बेल्ट आता है, एब्डोमिनल बेल्ट आता है, वो आप ज़रूर बांधें। और नॉर्मल डिलीवरी में तो कपड़ा भी बांध सकते हैं, लेकिन सिजेरियन डिलीवरी में वो बेल्ट बांधने को कहा जाता है। डिलीवरी के बाद के जो 40 दिन होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इस दौरान अपनी बॉडी को फुल रेस्ट दें। फुल रेस्ट का मतलब ये है कि आप जितना सो सके, जितना आराम कर सके ज़रूर करें। अपना रूटीन अपने बेबी के अकॉर्डिंग सेट करें। जब आपका बच्चा सो रहा होता है उस टाइम आप ये ना करें कि आप टीवी देखने लग गए या मोबाइल में आप खो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। आप भी अपने बच्चे के साथ सो जाए ताकि आपकी नींद पूरी हो सके, क्योंकि शुरुआत के टाइम में बच्चे काफ़ी रोते हैं, रात को भी काफ़ी बार परेशान करते हैं, तो न्यू मदर की जो स्लिप है वो डिस्टर्ब हो ही जाती है। तो आप कोशिश करें आप अपने बेबी के साथ ही अपनी नींद को कम्प्लीट कर लें। और डिलीवरी के बाद ही न्यू मदर को एक और टेंशन रहती है, वो होती है पीरियड्स की। पीरियड्स कितने दिन तक आएंगे और नेक्स्ट पीरियड कब आएगा, इसके बारे में भी थोड़ी टेंशन रहती है। तो जो डिलीवरी के बाद जो पीरियड्स हैं वो वैसे तो 99% लेडीज़ के नॉर्मल ही रहते हैं, लेकिन अगर पीरियड्स के ब्लड में क्लॉट्स निकल रहे हैं, उस ब्लड में से गंदी बदबू आ रही है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको हर एक घंटे से सैनिटरी पैड चेंज करना पड़ रहा है, तब आप डॉक्टर से ज़रूर सलाह करें, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि ये थोड़ी खतरे की घंटी है, तो आप इसको नॉर्मल समझ के अवॉइड बिल्कुल नहीं करें। और दूसरी बात कि पीरियड्स रहते कब तक हैं, तो डिपेंड ऑन योर डाइट चार्ट। जैसे हमारे कम्युनिटी में सौंठ के लड्डू दिए जाते हैं तो ये काफ़ी गर्म होते हैं, और मुझे भी याद है कि जब तक मैंने सौंठ के लड्डू खाए थे तब तक मेरी हल्की हल्की ब्लीडिंग होती रहती थी। कम से कम डिलीवरी के 20 डेज तक मुझे ब्लीडिंग रही थी, और सीजेरियन डिलीवरी में क्योंकि 15 दिन तक नॉर्मल खाना पीना ही चलता रहता है, कोई ख़ास चीज़ें दी नहीं जाती है, अजवाइन या सौंठ इस तरह की, तो उनके पीरियड्स 15 दिन तक आई थिंक ख़त्म हो जाते होंगे, उन्हें ज़्यादा चिंता नहीं रहती है। और चूँकि नई माँ को 40 दिन तक आराम करने का बोला जाता है, तो आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहे, आपको वीकनेस या थकान ना रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी रेगुलर मालिश हो। इसके लिए आप अपने दाई माँ को प्रिफर कर सकते हैं, या कोई जो एक्सपर्ट होते हैं, मालिश में एक्सपर्ट होते हैं, आप उनको बुला सकते हैं। और मालिश करने से बॉडी को मॉइस्चर भी अच्छा मिल जाता है और ब्लड सर्कुलेशन भी काफ़ी अच्छा होता है, बॉडी पूरी रिलैक्स हो जाती है, तो मालिश को ज़रूर प्रीफर करें, इससे अवॉइड बिल्कुल नहीं करें। और वैसे नॉर्मल डिलीवरी में तो 2-4 दिन बाद ही मालिश शुरू कर दी जाती है, लेकिन सिजेरियन डिलीवरी में टाको पर डिपेंड करता है। और वैसे काफ़ी जगह पे सिर्फ पैरों की और हाथ की मालिश ही करवाई जाती है, क्योंकि पीठ पे और पेट पर मालिश नहीं करवाएंगे। पीठ पे भी मालिश करने से, बैक साइड में अगर मालिश करेंगे तो उससे भी टाकों पर जोर पड़ सकता है या फिर टाके हिल सकते हैं, इसलिए सीजेरियन डिलीवरी में शुरुआत में हाथ पैर और सिर की ही मालिश की जाती है। अगली बात आती है पानी को लेकर। पानी भरपूर पिएं, खाने के आधे से एक घंटे बाद पिएं, और गुनगुना पानी पी सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अजवाइन का पानी भी काफ़ी हेल्दी होता है तो आप इसको भी ले सकते हैं।
कोशिश करें कि खाना खाने के 30 से 45 मिनट बाद ही आप पानी पिए, और गुनगुना पानी पीने से पेट के लटकते हुए पेट की आपको ज़्यादा चिंता नहीं रहेगी। और अगर गर्मियों में आपकी डिलीवरी हुई है तो फ्रिज का पानी बिल्कुल भी ना पिए। कितनी ही गर्मी क्यों ना पड़ रही हो, आपको कितना भी पसीना आ रहा हो, लेकिन आप मटके का पानी ही प्रिफर करें और फ्रिज का तो बिल्कुल ही ना लें। मटका ज़रूर ला के रख सकते हैं घर में, आप उसका पानी पी सकते हैं। फ्रिज का पानी पीने से आपको भी ठंड या जुकाम लग सकती है, या फिर बेबी को भी गर्मियों के मौसम में जुकाम हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन ना लाएं, मटके का पानी ही प्रेफर करें। पीरियड में आप अपने आँखों का खास ख्याल ज़रूर रखें, टीवी के सामने बिल्कुल भी नहीं बैठें, कम से कम 40 दिन तक तो बिल्कुल नहीं बैठें, और अपने मोबाइल को भी जितना अवॉइड कर सकते हैं प्लीज़ ज़रूर करें। इससे आपको भी फायदा और अपने बच्चे को भी एक हेल्दी एनवायरनमेंट देंगे बिना किसी रेडिएशन के। और वैसे आपने काफ़ी बार सुना होगा जो लेडीज़ है वो डिलीवरी के बाद या बेबी होने के बाद थोड़े टाइम बाद वो कहते हैं कि उन्हें चश्मा लग गया है या उनका सर दर्द बहुत कर रहा है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि उस टाइम हमें महसूस नहीं होता है कि कुछ हो रहा है हमारी बॉडी में, लेकिन हमारी बॉडी अंदर से इन चीज़ों से गुजर रही होती है। वो आपकी आँखों को वो सारी एनर्जी दे रही होती है जो आपको टीवी देखने के लिए या फ़ोन देखने के लिए चाहिए होती है, तो इस वजह से बाद में आँखें वीक हो जाती है, चश्मे लगने के चांस बढ़ जाते हैं या फिर सर दर्द की शिकायत रहती है। तो इस वजह से इन सब बातों को देखते हुए आप टीवी और फ़ोन को थोड़े टाइम के लिए अपने से दूर ही रखें। और सबसे आखिरी बात जो खासकर फर्स्ट डिलीवरी में देखने को मिलती है कि न्यू मदर को अपने पुराने शेप में आने की चिंता ज़्यादा रहती है। वो चाहते हैं जितना जल्दी हो सके हम पुराने शेप में आ जाएं, हमारा टमी अंदर चला जाए। तो आप इसकी चिंता बिल्कुल ना करें, टेंशन फ्री हो कि इन 40 दिनों को एंजॉय करें। ये 40 दिन वापस नहीं आने वाले हैं, कोई भी आपको बेड पर ला के खाना नहीं देने वाला है, कोई भी आपको बार बार नहीं पूछेगा कि ये खिलाऊँ वो खिलाऊँ, और उसके बाद बेबी को भी आपको ही रखना है और पूरी फैमिली का भी आपको ही ध्यान रखना है। तो इन 40 दिनों को आप भरपूर आराम करके एंजॉय करके रहें, और डिलीवरी के बाद अगर आप अपनी मम्मी के घर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर ही किसी को बुला लें, किसी रिलेटिव को बुला दें या किसी हेल्पर को ज़रूर रखें, क्योंकि आपके पार्टनर को इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी। एक एक्सपीरियंस पर्सन ही इन सब चीज़ों को हैंडल कर सकता है। जो नई माँ को दिक्कतें आती है बेबी को संभालने में, बेबी को समझने में, वो एक एक्सपीरियंस पर्सन ही आपको समझा सकता है, वही आपको अच्छे से ट्रीट कर सकता है। और इन 40 डेज में आप अपना काम ही कर ले, अपना रूटीन ही पूरा कंप्लीट कर ले, वो काफ़ी है। और एक बात आप ज़रूर ध्यान करें कि जब भी आपकी जो दाई माँ आती है आप उन्हें नोटिस ज़रूर करें कि वो आपके बच्चे की मालिश किस तरीके से कर रही हैं, और उनके हाथ भी आप अच्छी तरीके से धुलवाएं जब वो आपको मालिश करें, और जब बेबी को मालिश करें तब भी उनके हाथ अच्छी तरीके से धुले हुए होने चाहिए ताकि किसी तरह का इन्फेक्शन का चांस ना रहे। तो ये तो थी डिलीवरी के बाद न्यू मदर की देखभाल के टिप्स, आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और इसके अलावा मैं कुछ अगर कुछ मुझसे छूट गया है या फिर कुछ ऐसा टॉपिक या कोई ऐसा टिप्स जो आपके पास है तो प्लीज़ हम सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगले वीडियो तक के लिए बाय।